हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में हम करेंगे भारत के चार धामों में और भारत के सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थानों में माने जाने वाले पुरी के दर्शन, जिसमें हम करेंगे टेंपल में दर्शन और उसके अलावा आप यहां पर तीन दिन में पुरी को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है पुरी। पुरी पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाइट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ट्रेन। तो अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से आ रहे हैं और आप भुवनेश्वर पहुंचे हैं तो पुरी तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो, कैब या बस लेना होगा। मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप बजट प्लान करके आए हैं तो आप बस लें, 80 रुपीस के अंदर आप पुरी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप पुरी जंक्शन पर पहुंचे हैं, पुरी रेलवे स्टेशन पे, तो वहां से आपको 50 रुपीस टू 100 रुपीस में आपको ऑटो मिल जाएगा वो, और आपको टेंपल के पास तक छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा टाइम आता है कि अब हमें होटल कहाँ चेक इन करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप पुरी बीच के नियर अपना होटल लेते हैं तो लगभग आपको 2,000 से 3,000 में होटल अच्छा मिल जाएगा। और पुरी बीच से सिर्फ टेंपल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर है। पुरी बीच से साइट सीइंग बस स्टैंड हमारा 2 किलोमीटर दूर है, तो 10 रुपए में ऑटो वाले आपको वहां तक छोड़ देते हैं। होटल में कुछ देर रेस्ट करके आपको पहुंच जाना है सबसे पहले पुरी बीच पे, क्योंकि सबसे नियर हमारे वही है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे पुरी बीच को एक्सप्लोर और उस पर करेंगे हम एंजॉय। यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज दोनों ही पॉइंट्स देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कैमल राइड कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज लगी होती हैं। बीच पे एंजॉय करने के बाद हम जाएंगे अपनी बुकिंग के लिए। तो हमें अपने 2 दिन की बुकिंग करनी है, जिसमें पहले दिन की बुकिंग होगी हमारी साइट सीइंग, सारे ही पॉइंट्स दिखाए जाएंगे, और दूसरे दिन की होगी हमारी चिल्का लेक की। तो सबसे पहले जाएंगे हम गोल्डन बीच, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कोणार्क सन टेम्पल, थर्ड पॉइंट लिंगराज टेम्पल, देन उसके बाद हम पहुंचेंगे उदयगिरी और खंडागिरी केव, और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे फेमस जू। तो ये सारी बुकिंग आपको पहले से कर लेनी है। पहले दिन का चार्ज लगेगा आपका 250 रुपये और दूसरे दिन का चार्ज आपका 250 से 300 रुपये होगा। ये चार्जेस रहेंगे आपके एसी बस के। अगर आप नॉन एसी करना चाहते हैं तो उसके प्राइजेस कम हैं, आप वो भी बुकिंग कर सकते हैं। पुरी बीच से 50 रुपये में ऑटो करके हम पहुँच जाएंगे पुरी जगन्नाथ टेम्पल। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन के लिए। तो मंदिर के बाहर आप इस तरह की मार्केट भी देखेंगे, तो आपको अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। प्योर वेज फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर चार धामों में से एक मुख्य धाम है, जहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए साल भर आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 2 घंटे आपको निकालने ही हैं, तभी आप दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। मंदिर के अंदर कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे फ़ोन, कैमरा, बेल्ट लगाकर भी आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सामान रखना है तो मंदिर के बाहर ही आपको लॉकर मिल जाएंगे, और शू रखने के लिए आपको शू स्टैंड भी मिल जाएंगे, जिसके लिए 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ चार्ज होता है। तो वो देकर आप अंदर अपना सामान सेफली रखवा सकते हैं। हम मंदिर में दर्शन करने 2 बार गए थे, क्योंकि हम 3 दिन थे वहाँ पर, तो हमें 2 दिन टाइम मिला था, तो हम 2 बार चले गए थे। अगर आपको भी टाइम लगता है तो आप डेफिनेटली ज़रूर जाइए, क्योंकि इस जगह पर दर्शन करने हम बार बार नहीं आते हैं। तो जब भी आए हैं तब दर्शन करें, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर से महाभोग लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको यहाँ से महाभोग जरूर लेना है। मंदिर के रसोई घर में ही ये भोग तैयार होता है, जिसमें रोजाना मिट्टी के नए बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ जी महाराज इस मंदिर में अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा, जिनके कास्ट की मूर्ति के रूप में दर्शन हम मंदिर के अंदर कर पाते हैं। हमने तीसरे धाम में दर्शन कर लिए हैं बहुत अच्छे से। इससे पहले हम द्वारका और रामेश्वरम में भी दर्शन कर चुके हैं, उसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। और मंदिर के बाहर से पूरी खाजा या फैनी लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत फेमस है। दर्शन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो सी बीच की मार्केट आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए आपको स्वर्गद्वार बीच जाना होगा, जो मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। और इस तरह से हम अपना पहला दिन ख़त्म करेंगे। सेकेंड डे 7 बजे से पहले हमें अपने बस स्टॉप पर पहुंच जाना है, जहां से हमें साइट सीइंग के लिए बस मिलने वाली है।
और वहीं पर ही आपको मिल जाएगा ये बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। ये इसका जो कॉस्ट था वो 25 रुपीस पर प्लेट था, तो ये तीन प्लेट जो हमें इडली और छोले और पूड़ी छोले मिले थे वो 75 रुपीस के थे। और इस तरह के कुछ हमारी ये बस दिखती है। बस में आपको 140 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने होंगे जो भी टिकट्स लगते हैं हर जगह के, और उसके अलावा जो गाइड का चार्ज होता है वो सब मिला के 140 रुपीस पर पर्सन आपको एक्स्ट्रा देना होता है, जो आपको टिकट में काउंट नहीं होता है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं तो उन चीज़ों का भी ध्यान जरूर रखें। फर्स्ट पॉइंट हम आ चुके हैं जो कि है गोल्डन बीच, और अब मैं दिखाती हूँ आपको गोल्डन बीच का खूबसूरत व्यू। और ये देखिए मेरे पीछे गोल्डन बीच। और ये है हमारे आज का दूसरा प्लेस, दूसरी जगह जहाँ हमने विजिट किया है, कोणार्क टेम्पल, जिसे सूर्य टेम्पल भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे है कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं या अपनी कार से आ रहे हैं तो आप, मैं रिकमेंड करूंगी आप यहां पर इवनिंग में आएं, क्योंकि यहां पर इवनिंग में लाइट शो भी होता है। इंडियन करेंसी 10 रुपीस के बैक साइड में जो हम पिक्चर देखते हैं वो सन टेंपल कोणार्क टेंपल से ही इंस्पायर्ड है। कोणार्क टेंपल में आपको घूमने के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1.5 घंटा, तो 1 घंटे में आप इसको घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइड आपके साथ रहेगा, गाइड बस से ही आपके साथ में दिया जाएगा, और उसके अलावा आधा घंटा जो रहेगा वो आपके खाने के लिए रहेगा, क्योंकि इसके आगे आपको खाने के लिए पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। और अब मैं कर रही हूँ इससे एग्जिट। टेंपल के बाहर मिलने वाली है आपको ये छोटी सी मार्केट जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टॉयज मिल रहे थे, उसके अलावा डेकोरेशन की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। थर्ड पॉइंट हमारा जो कि है लिंगराज टेम्पल, और वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए पीछे मेरे टेम्पल है, हम पहुँच गए हैं। अंदर कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, इसलिए बाहर से दिखा दिया है आपको। तो अभी हम अंदर दर्शन करने जाएंगे, और आधे घंटे का हमें टाइम मिला है यहाँ पर, आधा घंटा लगाना है, उसके बाद हम वापस अपनी बस में बैठेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर फटाफट से, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिंगराज भगवान के दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत सारे मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं अंदर अलग अलग जगह पर। मैंने सिर्फ 3 मंदिर में दर्शन किए हैं। एक सबसे पहले जब अंदर जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे हमें गणेश जी, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी पूजे जाते हैं। उसके बाद मैं अंदर गई मेन मंदिर में, और वहाँ पर लिंगराज जी के दर्शन, बहुत अच्छा खूबसूरत शिवलिंग है। तो उसके बाद मैंने एक और मंदिर के दर्शन किए, वहाँ पर बहुत बड़े नंदी बाबा थे और शिव जी थे, बस मैं वही इतने दर्शन करके बाहर आई। फोर्थ पॉइंट है हमारा खंडागिरी, और खंडागिरी आ गए हैं। इसके पीछे कितनी भीड़ है। अभी मैं गई हूँ थक थोड़ा सा, काफ़ी सारे स्टेयर्स थे चढ़ के आने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे पीछे खंडागिरी के सामने ही है उदयगिरी केव्स। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ एन आवर मिला था, तो एक तरफ मैं आई और एक तरफ मेरे हस्बैंड गए, तो वहाँ से हमने दोनों ही जगह का व्यू कैप्चर किया। तो खंडागिरी से आप जब देखेंगे तो आपको उदयगिरी केव्स और उसके अलावा पूरा भुवनेश्वर सिटी और भुवनेश्वर एयरपोर्ट दिखता है, जहाँ से ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये देख रहे हैं आप उदयगिरी केव्स, जिसमें आपको और अंदर छोटी छोटी केव्स भी देखने को मिल जाएंगी। ये है खंडागिरी से उदयगिरी का
व्यू जो आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखेगा खंडागिरी से। और खंडागिरी में आपको एक टेंपल भी दिखेगा, तो आप अगर चाहें तो उसके दर्शन भी कर सकते हैं। और ये उस टेंपल का एग्जिट पॉइंट है। और ये है हमारा लास्ट पॉइंट नंदनकानन जू। और अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हमें क्या दिखेगा ऐसा उन्होंने बोला है कि व्हाइट पीकॉक हमें देखने को मिलेगा, जिसके बहुत उम्मीद कर रहे हैं हम। और जिसके लिए मैं इंतजार में बैठी हूँ, बहुत उम्मीद है कि शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने व्हाइट पीकॉक आज तक नहीं देखा। अगर दिखा तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। यहाँ आपको रेप्टाइल्स की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्लॉथ बेयर मिल जाएगा, लेपर्ड मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली ये सब एनिमल्स हमें सभी जू में मिल जाते हैं, बट इस जू में जो खास चीज़ है वो है वाइट पीकॉक। तो मेन जो मेरे लिए टारगेट है, मेरा मोटिव है कि वाइट पीकॉक देखना और आपको दिखाना। तो हम देखते हैं कि हमें कब जाकर वो दिखेगा, अभी तक हमें वो नहीं मिला है। बज रहे हैं 4:30, एक घंटा भी हम और लगाने वाले हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही हूँ व्हाइट पीकॉक का। वो मुझे कब देखने मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ उसी के लिए रुकी हुई हूँ, मुझे सिर्फ वही देखना है। बाकी सब चीजें मैंने ऑलमोस्ट देखी हुई हैं। फाइनली व्हाइट पीकॉक हमें दिख चुका है। दो व्हाइट पीकॉक थे यहाँ पर। उम्र क्या है उसमें 4 चांद तक चाहिए फाउंटेन। आज का दिन हमने अपना यहाँ खत्म किया और लास्ट हमने देख लिया है फाइनली पीकॉक, जो आपको दिखा दिया है मैंने अपने साथ में। उसके पंख नहीं थे, वो बात अलग है। तो आज का दिन हमने अपना यहाँ खत्म कर दिया फाइनली। और अब कल हम जाएंगे चिल्का लेक, जहाँ हम फ्लेमिंगो और डॉल्फिन की उम्मीद में जाएंगे कि हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, देखने मिलते हैं या नहीं, तो मिलेंगे हम कल। और वापस आकर पुरी बीच के पास में ही मिल गया हमें ये रेस्टोरेंट, जो कि प्योर वेज था, और यहाँ हमने किया अपना डिनर। और थर्ड डे हमने अपना शुरू किया। और सबसे पहले आपको होटल से चेकआउट कर देना है, और अपना सामान जो है या तो वो आप होटल के स्टोर रूम में रखवा सकते हैं, या फिर आप अपने साथ बस में लेकर जा सकते हैं, और बस में ही आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी कीमती चीज़ आप बस में ना छोड़ें, अगर आप अपना लगेज साथ में लेकर जा रहे हैं तो। और यहीं पर हमने कल वाला ब्रेकफास्ट फिर से किया था, जिसमें थे इडली और छोले और छोले पूड़ी। सेकंड डे हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम निकल चुके हैं चिल्का लेक के लिए। पहुंच गए चिल्का लेक में। कुल मिला के बात ये है कि हम डॉल्फिन देखने जा रहे हैं। 150 डॉल्फिन में से अगर 150 डॉल्फिन भी हमें नहीं दिखी तो हमारा आने का कोई फायदा नहीं है, हमारे पैसे हैं बर्बाद। तो बोटिंग के लिए आपको अलग से पे करना होता है। अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो आपको 300-400 तक पड़ सकता है, अगर आप एक बोट में 10 लोग जा रहे हैं तो। ये 10 लोग भी लेकर जाते हैं, 5 लोग भी लेकर जाते हैं, 15 लोग भी लेकर जाते हैं। तो आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं उसी के हिसाब से आपको चार्ज पड़ता है। वैसे एक सिंगल बोट का जो पूरा चार्ज है वो 3,500 रुपये का है। तो इसी हिसाब से अगर आपके पास ग्रुप है, कुछ लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हैं, तो आपके चार्जेस कम हो सकते हैं। और इनका आंखों से ना 360 डिग्री देखते हैं चारों तरफ से, पीछे भी देख ले, इसीलिए इसको ज्यादा पकड़ना हो सकता नहीं, संभव असंभव होता है। जानते हैं कैसे बनता है इसमें मोती? सुनिए, स्वाति एक नक्षत्र होता है, तो साल में एक बार आएगा, जिसको आप लोग जो लक्ष्मी पूजा उसी दिन पहला बारिश का बूंद साथ जिसे शिव का मन उसी शिव से मोती बन गया। अगर सांप का माथा मिलेगा मन बनता है, गला का मुंह में कपूर होता है, पुराना इतिहास कहते हैं, बांस में बंसुरी होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देख के बताना ये ओरिजिनल लग रहा है कि नहीं लग रहा।
पहचान गया मैं, कभी कभी पहुंचता था पर आज विश्वास हो गया। अमावस्या का दिन होता है। तो क्रैब्स, पर्ल्स, स्टोन्स ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। फ्लेमिंगो तो नहीं थे बट ये कुछ और ही यहाँ पर उड़ रहे थे जो हमने देखे। अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें दिखने शुरू हुई डॉल्फिन, और यहाँ पर बजता है एक सायरन जब डॉल्फिन दिखती हैं। तो डॉल्फिन जो कैप्चर हुई वो हमारे 360 के कैमरा में कैप्चर हुई थी, तो उसी से मैं आपको दिखा पाई। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लैगून इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन द वर्ल्ड। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ चिल्का लेक को पूरा क्रॉस करके बोट से। और पीछे देखिए आप, ये यहाँ पे बोट हमारी खड़ी हुई है, पार्किंग एरिया बोट का। और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं। अब मैं उस रास्ते को कवर कर रही हूँ, पैदल हमें कवर करना है, जो रास्ता यहाँ से जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो वहाँ हमें समुद्र देखने को मिलने वाला है। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ है झील और इधर दूसरी तरफ है समुद्र, तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मैंने ऐसे का व्यू ना एक बार द्वारका में भी एक पॉइंट पर है, मैंने वहाँ भी देखा है रिवर और समुद्र का वो पॉइंट। तो अगर आप कभी द्वारका जाते हैं ना, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। द्वारका का वीडियो भी मेरे आप तो चैनल पे देख सकते हैं, मैंने द्वारका का वो वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग व्यू है वहाँ पर भी। और अभी हम यहाँ के व्यू की बात कर लेते हैं। अभी आगे थोड़ा सा ये बस मुझे रास्ता दिख गया है, समुद्र भी मुझे दिख चुका है, तो अभी आपको भी दिखा देती हूँ। रेत बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो चल रही हूँ, और ऊपर से मेरा सैंडल भी टूट गया है, तो मेरे लिए और प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी फ़िलहाल चलते रहते हैं, आगे रास्ता दिखाती हूँ आपको। और ये देखो आगे रास्ता जा रहा है, और वो देखते हैं ना आप पेड़ के बीच में से थोड़ी सी जगह देखते हैं, और मैं रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हूँ। पीछे देखो आप, दूर देखो, वहाँ आपको चिल्का लेक दिख रही है, और यहाँ ये देखिए, यहाँ पर आपको समुद्र दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल, और ये मेरे पीछे फॉरेस्ट। तो कुछ इस तरह से हमने अपने 3 दिन यहाँ पर इंजॉय किया। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।